एक बार फिर दिखेगी रणबीर दीपिका की जोड़ी, अजय निभाएंगे पिता का रोल। बॉलीवुड एक्ट्रेस दीपिका पादुकोण इन दिनों अपनी फिल्मों को लेकर खूब सुर्खियों में है। एक के बाद एक दीपिका पादुकोण की झोली में फिल्में आ रही है। इन दिनों दीपिका जहां छपा की शूटिंग में बिजी है, वहीं अब खबर है कि दीपिका डायरेक्टर लव रंजन की फिल्म में नजर आने वाली है। इस फिल्म में दीपिका अपने एक्स बॉयफ्रेंड रणबीर कपूर के साथ नजर आएंगी। खबर है कि लव रंजन ने अपनी एक्शन थ्रिलर फिल्म के लिए दोनों को अप्रोच किया है। रणबीर कपूर और दीपिका पादुकोण अलावा इस फिल्म में अजय देवगन भी नजर आएंगे। अजय देवगन रणबीर के पिता के रूप में नजर आएंगे। काफी समय से फिल्म में हीरोइन की तलाश की जा रही थी और अब इसमें दीपिका का नाम फाइनल हो गया है। एक बार फिर से दीपिका और रणबीर कपूर की जोड़ी पर्दे पर कमाल करेगी। इन दिनों की आखिरी फिल्म तमाशा दी, हालांकि फिल्म फ्लॉप रही थी, लेकिन दोनों की जोड़ी खूब हिट थी। आपको बता दें कि इन दिनों तीनों सितारे अपनी अपकमिंग फिल्मों की शूटिंग में बिजी हैं। दीपिका पादुकोण की बात करें तो वो जल्द फिल्म छपाक में नजर आने वाली हैं। दीपिका की ये पहली अपनी प्रोडक्शन फिल्म होगी। इस फिल्म में दीपिका पादुकोण एक ऐसी लड़की की भूमिका निभा रही हैं जिसके चेहरे पर तेजाब से हमला कर दिया गया था। दीपिका पादुकोण की ये भूमिका लक्ष्मी अग्रवाल नामक पीड़ित महिला पर आधारित है। फिल्म में दीपिका पादुकोण के साथ मिर्जापुर फेमस एक्टर विक्रांत मैसी भी मुख्य रोल में नजर आने वाले हैं। वहीं अजय देवगन भी अपनी होम प्रोडक्शन फिल्म तानाजी द अनसंग वॉरियर में बिजी हैं। रणबीर की बात करें तो वो फिल्म ब्रह्मास्त्र और शमशेरा की शूटिंग कर रहे हैं। रिपोर्ट्स के अनुसार साल के अंत तक तीनों की डेट्स फ्री हो जाएंगी, जिसके बाद लव रंजन की फिल्म की शूटिंग शुरू हो सकेगी। तब तक के लिए दीपिका रणबीर के फैंस सिर्फ इंतजार ही कर सकते हैं।